राम रहीम और हनीप्रीत के रिश्तों पर सबसे बड़ा सवाल उठाया है हनीप्रीत के पूर्व पति विश्वास गुप्ता ने। विश्वास गुप्ता ने दावा किया था कि बाप बेटी का रिश्ता दरअसल धोखा था, रिश्ता पति पत्नी का था। देखिए हनीप्रीत की सफाई के बाद अब क्या कह रहे हैं विश्वास गुप्ता। गुरमीत राम रहीम से मेरा रिश्ता पवित्र है, ये कहना है हनीप्रीत का। लेकिन हनीप्रीत पर इल्जाम लगाने वाले उनके पूर्व पति विश्वास गुप्ता क्या कहते हैं अब वो जान लीजिए। विश्वास, आपने 11 दिन पहले आरोप लगाया था कि ये बेटी का रिश्ता नहीं, ये तो बीवी का रिश्ता है, लेकिन हनीप्रीत ने कहा है कि उनका रिश्ता पाक साफ है। बिल्कुल सच बात है कि मैंने 11 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपके माध्यम से जो भी आरोप लगाए थे वो 100% सच हैं। मैं आप थोड़ा सा इस बारे में कहना चाहूँगा, अगर किसी चोर से पूछा जाए कि तूने चोरी करी है तो वो कभी नहीं कहेगा कि मैंने चोरी करी है। और दूसरी बात, अगर बाबा गुरमीत से इस टाइम अगर जेल में जाके पूछा जाए कि तेरे को जो 15 साल बाद फैसला आया है, तो कन्विक्शन हुई है रेप के मामले में, वो कहेगा नहीं मैंने ये किया नहीं है। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है, कोई भी बंदा ये कहेगा कि मैंने, ऐसी ये लड़की कह रही है और मैं 100% श्योर हूँ इसके कोई बाप बेटी के रिश्ते नहीं थे। अगर बाप बेटी के रिश्ते थे तो और दो बेटियाँ और भी थी, इसकी दो बेटियाँ और भी थी, वो क्यों नहीं साथ गई, क्यों नहीं कोर्ट रूम में गई? ये मैंने थोड़ा इंटरव्यू देखा है, उसमें ये कह रही है कि भाई मैं बेटी थी, भाई और भी दो बेटियां, सगी बेटियां, तू तो सगी बेटी है ही नहीं, ना तू अडॉप्टेड गर्ल है और ना ही तेरा कोई बाप बेटी का रिश्ता है। मैंने तो आपको बंद कमरे में भी जो इवेंट था वो मैंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया है। ये नहीं, आप अपने आरोपों पर अब भी कायम है? बिल्कुल 100% कायम हूँ। मेरे से अगर ये सवाल 1000 बार भी पूछेंगे तो भी मेरा जवाब यही होगा। तो फिर हनीप्रीत का ये कह के क्या वो हमदर्दी लेना चाहती है या क्या वजह हो सकती है कहने की? बिल्कुल, वो चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, एक हमारे हिंदुस्तान की एक प्रथा है कि अगर औरत रोए तो उसको ज्यादा समझा जाता है। अगर उसको मान लो किसी के खिलाफ दहेज का केस ही हो जाता है, आजकल 90% दहेज के केस झूठे हो रहे हैं, आप भी मानते हैं। लड़कियां अपना कर देती हैं जाके भी, ये हुआ मुझे मारा चाहे पिटा। अगर लड़की आके टीवी पे रो रही है तो वो एक हमदर्दी क्रिएट करना चाह रही है कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे तो बाप बेटी के रिश्ते हैं, वो सिर्फ सिंपथी लेना चाहती है कि कोर्ट मेरे पे कुछ दया करे मेरे को देख के, या दुनिया या जुडिशरी एक वेव बनाना चाहती है अपने खिलाफ। और कुछ आपने 2009 से लेकर 2015 के बीच में कभी उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की, आपकी बातचीत नहीं हुई, आपने अपना घर बसाने के लिए या जिस तरह की आपके मन में राय थी वो उनको जताने की कोशिश की, क्या तब कोई जवाब आया था या नहीं? 2009 से 2011 अपना मैं वहाँ पे रहा, तो उस बीच में हमारे कई बार इस बात पे चर्चा हुई लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थी। उसमें अहंकार बहुत ज़्यादा आ गया था गुरमीत सिंह के कारण कि मैं तो रानी हूँ, तू होता कौन है, तू तो ड्राइवर है, मेरी औकात वो ये कहती थी उस टाइम। तो उसके बाद मेरी उससे कोई ना तो कोई बात हुई और ना मैं कभी उससे मिला 2011 के बाद। आपके टॉपिक पे वो बात नहीं करना चाहती, इसकी क्या वजह है? वो ये वजह है कि वो एक झूठी है और एक मैं सच्चा हूँ। मैं आपके माध्यम से उसको एक संदेश देना चाहता हूँ, अगर वो इतनी सच्ची है तो किसी चैनल के थ्रू आमने सामने मेरे से डिबेट कर ले तो मैं मान जाऊं, अगर वो डिबेट में मेरे सामने आ जाए तो दूध का दूध। आपको बता दें हनीप्रीत की सवाई पर हनीप्रीत के पूर्व पति विश्वास गुप्ता का जवाब आप सुन ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।